हेलो फ्रेंड्स, मैं मज़हर अहमद वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप अपने मोबाइल के अंदर किस तरह से सेट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता क्या है। आप अपने किसी भी लिंक को जिस ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं, आप उसे एज ए डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, उसी को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक लिंक है जो जियो ऑफ़र के बारे में है। मैं इस लिंक को अभी ओपन करता हूं, तो ये देखिए, ये एक जियो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो रहा। आप यहां देख सकते हैं जियो ब्राउज़र लिखा हुआ है। अब एक बार फिर से मैं इस लिंक को ओपन करता हूं, तो देखिए ये किस ब्राउज़र के अंदर ओपन होता है। अब देखिए, इस लिंक के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये क्रोम के अंदर ओपन हो रहा, आप यहां देख सकते हैं। तो ये सेटिंग्स आप भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, हर एक में सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप किसी भी फ़ोन को यूज़ कर रहे हो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बड़ी आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है, दूसरे मोबाइल्स में, नए पुराने मोबाइल्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ऐप्स लिखी हुई आपको मिल जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टॉप राइट के ऊपर आप देख रहे हैं तीन डॉट्स दिख रहे हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा पुराना है, एक साल दो साल पुराना है, तो ये थ्री डॉट्स के बजाय यहाँ पर सेटिंग का सिंबल आपको दिखेगा, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का छोटा सा पॉपअप ओपन नहीं होगा, बल्कि एक न्यू विंडो ही डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए, ब्राउज़र ऐप सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यही है वो डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मेरा क्रोम एज ए डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इसलिए क्रोम में अभी ओपन हुआ था। अब यहाँ से हमारे पास इतने सारे ब्राउज़र ऐप हैं, मैं जिसमें चाहूँ डिफ़ॉल्ट को सेट कर सकता हूँ। यूसी ब्राउज़र में सेट कर सकता हूँ, ये देखिए यूसी ब्राउज़र में सेट हो गया। अगर आप चाहें तो जियो ब्राउज़र को सेट कर सकते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जियो ब्राउज़र के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पर जियो ब्राउज़र ही सिलेक्ट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट पे, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट जियो ब्राउज़र हो गया। अब मैं उसी लिंक को जब ओपन करूँगा तो क्रोम में ना ओपन होके जियो ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा। ये देखिए जियो ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।